तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। मैं आपका फिर से स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम मनु कोचिंग सेंटर। आज हम बच्चों आपके सामने 12th क्लास का, ठीक है, जो UPMSP द्वारा पेपर था वो सोल्व कराएंगे, भौतिक विज्ञान का केवल प्रश्न पत्र। तो बच्चों ये UPMSP द्वारा डाउनलोड किया गया है, जो बोर्ड ने आपको पेपर भेजा है, ठीक है। इसी टाइप का आपको 2000 जो पेपर आपको कल जो 1 तारीख में होगा पेपर है फिजिक्स का, उसका उसी टाइप से पेपर आएगा बोर्ड में, ठीक है। तो पूर्णांक 70 नंबर का होगा, आपको ये पेपर जरूर सोल्व हो जाना है, क्योंकि मैंने इससे पहले मैथ का पेपर सोल्व कराया था, उसमें से बच्चों कम से कम आप देख सकते हैं 25 से 30 नंबर का बिल्कुल क्वेश्चन क्या आया था, पेपर हूबहू आया था, ठीक है। तो आपको आशा करता हूं कि इसी पेपर में से आपको 25 से 30 नंबर का क्वेश्चन पेपर मिल जाए। तो चलते हैं क्वेश्चनों की तरफ को, मैं सोल्व कराता हूं, ठीक है। जो जो दोस्तों नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें, ठीक है, और अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो। चलता हूँ बच्चों, देखो सबसे पहले देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपके सामने लिखा हुआ है। समय है आपके सामने 15 घंटे 3 मिनट प्रॉपर मिलेंगे, ठीक है। निर्देश दिए हुए हैं, सबसे पहले लिख रहा है इस प्रश्न पत्र में 5 खंड है, ए बे, ठीक है ना, स और त, और इसके बाद लिख रहा है बहुविकल प्रश्न है, ए में, ठीक है, बे में आपके बताते लघु हैं, फिर स में क्या है लघु है, और द में क्या है लघु है, फिर और ये क्या है विस्तृत है, ठीक है। ये आपको विकल्प पता है 1 नंबर का आते लोगों, फिर 1 नंबर का, फिर ये 2 नंबर के, फिर 3 नंबर के, फिर 5 अंक के, ठीक है। आपको इसी प्रकार से पूरा पेपर आपको सॉल्व कराना है, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं बच्चों बहुविकल्प की तरफ को। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है खंड ए में से, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, निम्नलिखित में से क्या बता रहा है, किसी विद्युत चुंबक के विकिरण की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम है। तरंग दैर्ध्य पूछा सबसे न्यूनतम किसकी होती है, बच्चों को बताने पहला ऑप्शन क्या है पराबैंगनी, दूसरा क्या दे रखा है आपको एक्स किरणें, ठीक है, तीसरा क्या सूक्ष्म तरंग है, चौथा क्या गामा किरणें। तो आप कमेंट करके बताइए आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। जो दोस्तों ने पेपर सोल्व कर लिया है, ठीक है, नहीं वो बहुत अच्छी बात है, और आपकी रिविजन हो जाएगा, आप इस पेपर का क्वेश्चन आप बता सकते हैं, ठीक है। और जिसने नहीं कराया वो वीडियो को पूरा देखें, बीच बीच में स्क्रिप्ट ना करें, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहले इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा बच्चों, गामा किरणें आएंगे। क्यों, क्योंकि गामा किरणों की जो वो होती है बच्चों आवृत्ति सबसे अधिकतम होती है, आवृत्ति क्या होती है गामा किरण की सबसे अधिकतम होती है, इसलिए जिसकी आवृत्ति सबसे अधिकतम होगी तो उसकी तरंग दैर्ध्य क्या होगी न्यूनतम होगी। तो गामा किरण ऑप्शन ठीक है इसमें से फोर्थ ऑप्शन। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर जो 2 दे रखा है, क्वेश्चन क्या है एक गतिमान, ठीक है ना, गतिमान कण का संवेग क्या दे रखा है बच्चों आपको पी है, तो द्रव्य तरंग की तरंग दैर्ध्य क्या होगी, तो तरंग दैर्ध्य क्या होती है लैम्डा। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों पी बराबर फॉर्मूला क्या पढ़ा था एच अपॉन में लैम्डा। तो लैम्डा बराबर बच्चों फॉर्मूला क्या होगा आपके सामने, लैम्डा बराबर जो फॉर्मूला होगा वो होगा आपके सामने एच अपॉन में पी। तो एच अपॉन में पी कौन से ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन नंबर आप देख सकते हैं एच अपॉन में पी हो गया, तो एच अपॉन पी इसका क्या होगा आंसर होगा। जहाँ पर पी क्या बच्चों संवेग दे पता रखा आपको, लैम्डा क्या तरंग एच क्या प्लांक नेतांक है, ठीक है। तो आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर जो आपको 3rd दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3rd क्या है देख सकते हैं आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 3rd ये है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है किरचॉफ का प्रथम नियम, ठीक है ना, किस संरक्षण पर आधारित होता है। तो आपको वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, किरचॉफ के 2 नियम है, प्रथम नियम पूछ रहा है किस संरक्षण पर आधारित है। तो किरचॉफ का प्रथम नियम क्या है, समस्त, ठीक है ना, समस्त धाराओं को समस्त धारा संधि में मिलने वाले समस्त धाराओं को पिछड़ते योग क्या होता है 0 होता है। तो ये क्या होते हैं बच्चों इसमें पूछ रहा है प्रथम किस बात है, तो आवेश पर आधारित है, ठीक है। तो आपको बताना ऑप्शन कौन सा ठीक है इसमें, 3rd ठीक है, ठीक है, नहीं ऊर्जा पे नहीं होगा, नहीं संवेग पर, और नहीं द्रव्यमान पे, किस पर होगा आवेश पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दे रखा, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम, ठीक है, संतृप्त धारा का कारण केवल, पीएन संधि डायोड में उत्क्रम धारा का पूछ रहा है, ठीक है, नहीं उत्क्रम धारा में जो उत्क्रम धारा कारण क्या होता है, तो अल्पसंख्या आवेश वाहक होते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना क्या होता है अल्पसंख्या आवेश वाहक, बहुसंख्या आवेश वाहक किस में होते हैं बच्चे, बहुसंख्या आवेश वाहक होते हैं आपके अग्रभिनति में, कौन सी नीति में होते हैं अग्रभिनति में, ठीक है, नहीं। तो बच्चों आगे देखते हैं जो बहुसंख्या आवेश वाहक होते हैं वो किस में होते हैं अग्रभिनति में, ठीक है, अग्रभिनति में बहुसंख्या आवेश वाहक ये होते हैं। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपके सामने, तो अगला क्वेश्चन दिया हुआ डे जो है ये कह रहा है पी टाइप एवं एन टाइप में क्रम से आवेश वाहक होते हैं। सबसे पहले बच्चों पी टाइप में जो होते हैं आवेश वाहक क्या होते हैं क्वार्टर होते हैं, क्या होते हैं क्वार्टर, और एन टाइप में क्या होते हैं आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। तो इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा जिसमें ऑप्शन क्या होगा, देखो ये इसमें इलेक्ट्रॉन आया तो गलत, ये इलेक्ट्रॉन आया ये भी नहीं ऑप्शन होगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर कि इसका क्या होगा, तो ये आपके सामने नेक्स्ट स्लाइड आ चुकी है, ठीक है। तो बच्चों इसमें जो ऑप्शन ठीक होगा पहले नंबर पर क्या देखना क्वार्टर, दूसरे पर इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा होगा, तो ऑप्शन कौन सा ठीक है बच्चों, 3rd ठीक है, ठीक है।
तो पी टाइप में क्या होते हैं क्वार्टर, एन टाइप में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन, तो ऑप्शन नंबर थर्ड ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन छह दे रखा है मीटर सेतु के तार, ठीक है ना, निम्न में से किस धातु के बने होते हैं। तो मीटर सेतु का तार जो निम्न में किस धातु का बना होता है बच्चों, बताना आपको, लोहे का, कॉपर का, ठीक है ना, मैंगनीन का, या यूरेका का, या फिर स्टील का। तो कौन सा ऑप्शन ठीक होगा कमेंट करके बताओ बच्चों, तो इसमें कौन सा होगा, मैंगनीन या यूरेका का तार होगा, जो किसमें लगा होता है मीटर सेतु का जो तार होता है ना उसके धातु से बना होता है किसका, ठीक है। आगे चलते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपको दे रखा है, अब आगे चुके हम खंड किस पर, बे पे आगे हैं, जिसमें से क्वेश्चन नंबर जो टू है आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, वो क्वेश्चन क्या पूछा गया, सबसे पहले देखो क्या कह रहा है, बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य क्या होती है, ठीक है। तो बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है आपसे कितनी होगी, ठीक। तो बच्चों बामर श्रेणी की न्यूनतम तरंग दैर्ध्य जो होती है वो कितनी होती है, ठीक है, 3646 होती है, ठीक है, 3646 एंगस्ट्रोम होती है, और है ये, ठीक, ये होती है इसकी न्यूनतम तरंग दैर्ध्य, ठीक है ना, और ये ऑप्शन का इस क्वेश्चन का आंसर होगा। और अगर बच्चों पूछता है अधिकतम क्या होती है, मैक्सिमम मतलब इसकी तरंग दैर्ध्य कितनी होती है, तो आपको कितना बताना है, 6563 होती है इसकी एंगस्ट्रोम, इतनी तरंग दैर्ध्य कितनी इसकी होती है इसमें, ये होती है आपकी बामर श्रेणी की। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन दिया हुआ है एकल, ठीक है ना, एकल गोले पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र लिखिए, एकल गोले पृष्ठ पर प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र, तो फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, तो ये लिखना आपका एन अपॉन में क्या लिखना है, वी, एन अपॉन में वी, ठीक है, और माइनस के वन अपॉन में यू इज इक्वल टू क्या आएगा, एन माइनस का वन अपॉन में आर। तो ये फॉर्मूला होता है बच्चों, आप इसे लिख के आ सकते, इसमें लिख के आना था आपको एक नंबर इसका मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, समस्थानिक, तो ये बच्चों तीसरा क्वेश्चन है वो क्या है, समस्थानिक का अर्थ, ठीक है ना, अरे एक उदाहरण देकर समझाइए, समस्थानिक का अर्थ का मतलब क्या होता है, सम, सम का मतलब क्या होता है, समान या बराबर, ठीक है ना, स्थानिक। और इसमें बच्चों जो समस्थानिक परिभाषा होगी क्या, कम क्या लिखना, वे तत्व जिनके परमाणु, क्या चीज़, जिनके परमाणु क्रमांक क्या होंगे बच्चों, परमाणु क्रमांक तो होंगे इनके समान, परंतु द्रव्यमान जो उसका परमाणु भार होगा वो होगा भिन्न भिन्न, ठीक है, परमाणु क्रमांक क्या होंगे, समान होंगे। तो जैसे कि 1H1, 1H2, 1H3, ठीक है, ये इसका उदाहरण होगा बच्चों। तो आप देख सकते हैं परमाणु क्रमांक क्या बराबर, और परमाणु जो इसके भार हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न है, 1 है इसमें, 2 है इसमें, 3 है, ठीक। तो आप इसे लिख सकते हैं। अगला चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को, जो क्वेश्चन दिया हुआ है थर्ड, थर्ड क्वेश्चन क्या है ये आपको पढ़ना नहीं है क्योंकि ये आपका सिलेबस से कट चुका है। अगला चलते हैं, संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, तो बच्चों को संधारित्र की धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा सी बराबर, फॉर्मूला क्या पढ़ा है, के एप्सिलॉन नॉट, ठीक है ना, के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में डी, ठीक है। तो इसमें जो बच्चों होता है सी अनुपातिक के होता है, ठीक है, के अनुपातिक होता है, और अगला सी अनुक्रमानुपाती ए के होता है, और सी अनुक्रमानुपाती 1/d के होता है। अगर हम इसकी हमें धारिता बढ़ानी है तो प्रवलता का मान बढ़ाई जा सकती है, क्षेत्रफल को बढ़ाकर बढ़ाई जा सकती है, और दूरी को कम करके, बीच की दूरी को कम करके धारिता बढ़ाई जा सकती है, ठीक है। या फिर दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों सी बराबर, फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन में पी। तो यदि आप इसमें आवेश का मान बढ़ाते हो तो धारिता बढ़ती है, और विभवांतर का मान आप घटाते हो तो इसमें धारिता क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है। विभवांतर का मान क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, तब धारिता क्या होगी, बढ़ेगी। तो आप इसे लिख सकते हैं किस प्रकार, ठीक है। ये आर्टिकल बच्चे बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर दो आर्टिकल हैं आपको जो आपको करके जाने हैं, ये है दो समांतर प्लेटों के बीच वाला, ठीक है, और एक होता है जिसमें टीमोटाई पट्टी रख दी जाती है। तो इस आर्टिकल को आपको ध्यान से पढ़कर जाना है, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ बच्चों, ये गेट के ऊपर दे रहा, ठीक है ना, एंड गेट के लॉजिक प्रतीक, बुलियन व्यंजक, और इसकी सतत सारणी बनाइए। तो हम देखते हैं बोलिए इसका जो प्रतीक होता है वो किस प्रकार से होता है बच्चों, ये इसका होता है प्रतीक, इसका एंड गेट का इस प्रकार से, और इसके बाद होता है यहाँ पर वाई बराबर, ये होता है ए डॉट बी, ठीक है ना, ये इसका क्या हो गया बच्चों, ये इसका हो गया बुलियन व्यंजक, ठीक है। यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर होता है आपका ए, ए ऊपर होता है और बी नीचे होता है, ए यहाँ होता है और बी इधर होता है, ठीक है, और ये सीधा है यहाँ पर, तो इसका बुलियन व्यंजक किसका है, एंड गेट का, ठीक है, और ये होगा आपके सामने इसका व्यंजक। और इसके बाद पूछ रहा है बच्चों इसकी सत्यता सारणी, सत्यता सारणी बनाने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बच्चों देख सकते हैं आप इस प्रकार से, यहाँ पर लिखा जाता है ए और यहाँ पर होता है बी, ठीक है, और यहाँ होता है वाई बराबर ए इंटू
भी, तो ये क्या पहले से ऑफ करोगे ठीक है नहीं, और इसे भी ऑफ करोगे तो क्या मैं होएगा 0। तो आप इसे ऑन करोगे, इसे ऑफ करोगे जब भी क्या होगा ये ऑफ ही रहेगा ठीक है। इसे ऑफ कर दो, इसे ऑन कर दो तब भी क्या रहेगा 0। और उसके बाद बच्चे लास्ट वन बस ये केबल क्या होता है, ये दोनों को ऑन करते हैं तभी हमारा क्या होता है एक ही हमें क्या मिलता है प्रतीक मिलता है। तो ये मैंने इसका लॉजिक गेट बता दिया, प्रतीक बता दिया ठीक है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लग रही होगी, जो दोस्तों चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ठीक है। आपको जिस भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए आप मुझे कमेंट कर बता दें, इस क्वेश्चन का आंसर चाहिए सर मैं उसको वो आंसर बता दूंगा ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है आपके सामने ये देख सकते हैं ठीक है। क्वेश्चन क्या है, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है विद्युत फलक की परिभाषा तथा मात्रक ठीक है। ये क्वेश्चन तो सबको पता होगी, टीचर विद्युत फलक की परिभाषा और उसका मात्रक क्या, ऋणात्मक विद्युत फलक का क्या अर्थ है, ऋणात्मक विद्युत फलक का अर्थ क्या होगा बच्चों बताइए। आप इस क्वेश्चन में फंसोगे दो नंबर का, एक नंबर का तो एक नंबर का। ऋणात्मक विद्युत फलक का मतलब क्या होता है ठीक है, आप बता सकते हैं नहीं कमेंट में करके बताओ। इधर भाई देखो मैं बता रहा हूँ, विद्युत फलक ऋणात्मक विद्युत फलक का मतलब ये होता है जब कोई चीज़ क्या कहें बाहर से ठीक है ना, बाहर से कहाँ आएगी अंदर की तरफ को, तब क्या होगा ऋणात्मक वैद्युत फलक होगा। बाहर से कहाँ होएगा अंदर की तरफ को, तो वैद्युत फलक कैसा होगा ऋणात्मक। तो इसके आगे देखते हैं बच्चों क्वेश्चन जो है विद्युत फलक की परिभाषा आप लिख सकते हैं, यदि आपको नहीं आती तो मुझे बता दें कमेंट कर मैं सब बता दूंगा ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इसमें कह रहा है 5 एम्पियर की धारा, ये किसका मान है बच्चों आई का, उसमें बता रहा है अनुप्रस्थ काट का क्षेत्र प्रति मिनट ठीक है। टी का मान दे रखा है इसने गुजरने कितने इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे, तो बच्चों आप देख सकते हैं इसमें आई का मान कितना दिया आपको 5 एम्पियर ठीक है। और इसके बाद जो दिया है टी का मान कितना दे देंगे, 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड होता है ठीक है, चेंज कर लेना आप। और आपसे पूछ रहा है एन बराबर क्या, तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था बच्चों, एक फॉर्मूला आपको जानते हो क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है, क्यू बराबर होता है एन ई, और एक क्यू बराबर फॉर्मूला क्या होता है आई टी ठीक है नहीं। तो जब आप इन दोनों को बराबर करोगे बच्चों तो यहाँ से क्या निकल कर आएगा, एन का मान जो आएगा ठीक, तो वो आ जाएगा आपका एन का मान आई टी और अपॉन में ई ठीक है। जब आप आई के और किसके टी के मान रखोगे तो आई का मान कितना है 5 एम्पियर और टी का मान कितना है 60 है ठीक है, और बटे में कितना है 1.6 × 10⁻¹⁹, ये क्या होता है इलेक्ट्रॉन पर और जो इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है कूलाम होता है। तो आप इसकी पॉइंट हटाओगे एक चीज़ यहाँ बढ़ा लोगे मल्टीप्लाई करके बच्चों कितना आ जाएगा 3000 आ जाएगा ठीक है। तो 3000 आ गया और बटे में 16 और 10 की पावर हो जाएंगी ये कितनी प्लस के 19 ऊपर जाकर ठीक है। तो आप इसे हल कर सकते हैं, आप इसकी कैलकुलेशन करने के बाद जो आंसर आपके सामने आएगा वो आंसर जो आएगा बच्चों वो आंसर आएगा 1 ठीक है 875 और गुणा 10 की पावर आएगा माइनस के, तो 10 की पावर आएगा प्लस के 21 ठीक है, ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा ठीक। तो आप इसे सॉल्व कर लेना। तो आगे चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ को। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है बच्चों ये देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की वामा श्रेणी की द्वितीय रेखा में ठीक है, तरंग दैर्ध्य रेडवर नेतांक के पदों में क्या करना है आपको, पदों में ज्ञात करना। तो फॉर्मूला क्या होता है रेडवर नेतांक का, जब फॉर्मूला देख रहे होगा बच्चों तो हमने क्या पढ़ाया था फॉर्मूला 1/ लैम्डा बराबर ठीक है आर ब्रैकेट में 1/ कौन से बामर है तो 2 का स्क्वायर आएगा और -1/ एन का स्क्वायर, लाइमर के लाख 1 का स्क्वायर होता है, बामर के लाख 2 का स्क्वायर और पार्शन के लाख 3 का स्क्वायर ठीक है। तो ये हो गया, तो यहाँ पे एन जो शुरुआत होगी एन बराबर क्या होगा 3 होएगा 4 होएगा 5 होएगा ठीक है, इस पर चलेगा। तो इसमें क्या आपको पूछ रहा है दूसरे का, दूसरे का क्या रखना है एन बराबर आपको रखना है इसके अंदर 4 ठीक है, क्योंकि एन बराबर 3 पर पहली मिलेगी दूसरी इस पर 4 रख पुट करके आप इसे पदों में ज्ञात कर सकते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों जो आपके सामने क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या हुआ है, दी ब्रोगली की तरंग दैर्ध्य का व्यंजक दीजिए, व्यंजक व्यंजक बताना क्या होगा, दी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य का व्यंजक आप बता सकते हैं। मैंने आपको 4 आर्टिकल कराया था दी ब्रोगली वाला, तो इसका जो आर्टिकल है पूछ रहा है वाले निकालना आपको एच ठीक है नहीं, लैम्डा बराबर एच अपॉन में पी और या फिर इसके बराबर एच बराबर एम बराबर क्या पी बराबर क्या होता है एम वी। तो ये आर्टिकल क्या करना है आपको, इसके व्यंजक निकाल के देना क्या होगा। इसके आगे चलते हैं बच्चों, जो अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपके सामने वो क्वेश्चन क्या है, ये रहा ठीक है, ये कह रहा है परस्पर संपर्क में रखे दो पतले लेंसों के संयोजन की फोकस दूरी का सूत्र ज्ञात करना है आपको क्या होगा ठीक है। तो सूत्र बताना है क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला जो होगा बच्चों 1/ में एफ बराबर ठीक है एन माइनस का 1 और ब्रैकेट में 1/ में आर 1 माइनस के 1/ में आर 2। तो ये होता है बच्चों इसका फॉर्मूला, ये आपको क्या करना है सिद्ध करके निकालना है कि इसकी फोकस सूत्र क्या होता है। उसके बाद बच्चों अगला क्वेश्चन दे रखा आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत
समीकरण का निगमन करना है। तो ये फॉर्मूला पता है, बूस्टर का नियम, ये आपको पढ़ना नहीं क्योंकि टॉपिक से आपका कट चुका है 30% सिलेबस। आपका पूछ रहा है एम्पियर का परिपथीय नियम, इसकी सहायता से लंबाई धारावाहिक चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र। अगला क्वेश्चन दे रखा है बच्चों, ये क्वेश्चन कह रहा है किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक इतने मिली हेनरी है। तो ये बच्चों वैल्यू ही एल का मान, ठीक है, और ये पूछ रहा है विद्युत धारा में इतने मिली सेकंड, तो ये हो जाएगा टी का मान। किसका? टी का। आप इसे चेंज कर लो 10^-3 से सेकंड में। ये कह रहा है 2 एम्पियर से 12 एम्पियर हो जाता है, तो डेल्टा आई का मान कितना हो जाएगा बच्चों? डेल्टा आई का मान हो जाएगा 10 एम्पियर, ठीक है, नहीं 10 एम्पियर इसे घटाने के बाद। उसके बाद दे रखा है इसमें क्या पूछ रहा है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान क्या होगा। तो इसके लिए आप फॉर्मूला लगाओगे E = -L, ठीक है ना, डेल्टा आई अपॉन में डेल्टा टी। इस फॉर्मूले में बच्चों आप क्या करोगे, वैल्यू रख के इस क्वेश्चन को सोल्व कर लोगे, ठीक। उसके आगे देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने जो 5th क्वेश्चन है वो क्या है, देख सकते हैं। एक पतले, ठीक है ना, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है आपको, ठीक है, कितनी है 20 सेंटीमीटर। उस पदार्थ के अपवर्तनांक दे रखा है n का मान, उस लेंस के, ठीक है ना, उत्तल पृष्ठ की वक्र त्रिज्या हमें ज्ञात करनी है। तो बच्चों आप फोकस दूरी दे रखिए f, तो r का मान कितना आ जाएगा यहाँ पर, r1 का मान वो आ जाएगा पर हम 40, ठीक है, और r2 का मान क्या लोगे आप इसमें, r2 का मान क्या लोगे, अनंत लेना, ठीक है, और फॉर्मूले में रख देना। कौन से फॉर्मूले अभी बताया था मैंने, 1/f = ठीक है n - 1 ब्रैकेट में 1/r1 - 1/r2। तो आप इस फॉर्मूले में इस वैल्यू को पुट कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ कोई वीडियो अच्छी लग रही होगी, जो दोस्तों नहीं है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो है ये दे रखा है आपके सामने 6, आगे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके, जैसे मैंने करा दिया है, अब देखते हैं इसे क्या करा है, दूरबीन, ठीक है नहीं, एक छोटी दूरबीन के विदर्शक की फोकस दूरी, तो एफ ओ का मान है, किसका मान है बच्चों, एफ ओ का मान दे रखा है इसने। उसके बाद कह रहा है नेत्रिका लेंस, तो ये देखिए देखा दे रखा है एफ ई का, ठीक है। तो दूरबीन की आवरण क्षमता कितनी होगी, अभिदर्शक लेंस के अभिदर्शक तथा नेत्रिका के बीच की दूरी पथांतर बताना क्या होगा। तो बच्चों आपके इन दोनों को जोड़ देना है, ठीक है, और आप आवरण क्षमता फॉर्मूला लगा के इसका आंसर निकाल लो क्वेश्चन का। अगला कह रहा है एलईडी क्या है, ठीक है नहीं, एलईडी का मतलब क्या होता है बच्चों, एलईडी का मतलब होता है, ठीक है, ठीक है, एलईडी क्या है, इस परिपथ को बनाकर वीआई का विलक्षण वक्र दर्शाइए। तो इसमें एलईडी की जो फुल फॉर्म होती है बच्चों वो क्या होती है, इसे एलईडी क्या बोलते हैं, प्रकाश उत्सर्जक डायोड, ठीक है नहीं, लाइट इमिटिंग डायोड, फिर फुल फॉर्म क्या है, लाइट इमिटिंग डायोड है। इसका बताना आपको किरचोप के नियम का, ठीक है, अगर किरचोप के नियम के परिपथ का चित्र बनाकर समझाइए। मैंने बताया था किरचोप के नियम 2 होते हैं, ठीक है, जो होता है पहला नियम क्या होता है, प्रथम का पहला नियम जो होता है संधि का नियम कहते हैं, और किरचोप का द्वितीय नियम होता है जिसमें क्या लगाते हैं, σI (R), ठीक है नहीं, बराबर में σE, ये क्या है यहाँ पर, विद्युत वाहक बल। तो आप देख सकते हैं इसके द्वारा, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों क्या है लास्ट स्लाइड पर, ये देख सकते हैं आपके सामने क्वेश्चन आ चुका है। तो ये न्यूमेरिकल, ठीक है, आप देखते हैं क्वेश्चन 3 नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया है, आप इसे आसान से कर सकते हैं, ठीक है नहीं, इक्वेशन दे रखी है और ये पूछ रहा है, आपको नहीं होता तो कमेंट करके बताना मुझे। उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है किसी उत्तेजित, ठीक है ना, किसी उत्सर्जन हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, ये दे रखी है, पूरा क्वेश्चन दे रखा है, आप इसे हल कर सकते हैं। अगला दे रखा है संधारित्र की धारिता की परिभाषा, समांतर प्लेटों के धारिता के लिए व्यंजक, उसकी धारिता कैसे बढ़ाई जा सकती है। अभी मैंने बताया था बीच की दूरी कम करके, ठीक है नहीं, आवेश कोण बढ़ा के विभवांतर कोण कम करके धारिता बढ़ाई जा सकती है। अगला क्वेश्चन दे रखा है रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है नहीं, गॉस के प्रमेय की सहायता से अनंत लंबाई वाले, तो इसमें बच्चों को 2 ही आर्टिकल में, एक है अनंत लंबाई वाला, ठीक है, बेलनाकार जो तार है, और एक आर्टिकल है आपको चादर वाला। तो ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दोनों आर्टिकल आपको करने हैं, ये एक बेलन वाला अनंत लंबाई के तार वाला और एक किसान चादर वाला। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये क्वेश्चन मैंने वीडियो को, ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है वीडियो मनु कोचिंग सेंटर पर क्लिक करके आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, ये न्यूमेरिकल है, ठीक है, आप इसे भी हल कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आगे दे रखा है, नहीं होते तो मुझे बता देना, ठीक, कमेंट करके बता देना। अगला क्वेश्चन दे रखा है 2 समांतर धारावाहिक, ठीक है, चालकों के बीच कार्य करने वाले बल का सूत्र बताना है। एक LC सर्किट बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एक LC सर्किट जैसे बोल लेते हैं अनुनादीय परिपथ, ये 2 सर्किट बच्चों आपको जरूर करने हैं इस चैप्टर के, आपको न्यूमेरिकल लेसन नंबर 12 के प्रत्यावर्त धारा के, एक तो न्यूमेरिकल और एक इस चैप्टर की थ्योरी, LC सर्किट और LC सर्किट, ये जरूर पढ़ के जाना है आपको, इसमें से कम 10 नंबर का काम जरूर आएगा, ठीक है। तो आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़ के जाना है, एक आपको किरचॉफ के नियम वाला और इस चैप्टर नंबर आपको कौन सा, इसमें से क्या है प्रकाश का, ठीक है ना, प्रकाश के अंतर वाला चैप्टर, ध्यान से पढ़ के जाना है, इन्हीं में से आप काफ़ी पास होने लायक हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 5 नंबर कैल्शियम, फिर ये क्या दे रखा है, यंग वाला दे रखा है, ठीक है,
तरंग धैर्य तिप्त फुरन जो पूछ रहा है इनमें कल आप कर सकते हैं। अगला क्या है बच्चों, पीएनपी ट्रांजिस्टर एक अर्धचालक वाला जरूर पढ़ के जाना है। इसमें से क्या क्या पढ़ोगे आप, पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है, नहीं पीएनपी एक एनपीएन ट्रांजिस्टर, ठीक है। उसके बाद आप इसमें पढ़ोगे क्या काम है, ठीक है, एलईडी पढ़ना है, जो आया हुआ डायोड पढ़ना है, और अर्ध तरंग पूर्ण तरंग, ठीक है, ये आपको जरूर पढ़ने हैं। अगला क्वेश्चन दिया उसके नीचे हाई गेंस के द्रुत तरंग का सिद्धांत, ठीक है, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक होता है इसमें हाई गेंस के परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या, तीन टो आर्टिकल पढ़ने हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा जो बताया हुआ सोल्यूशन है वो समझ में आया होगा बच्चों। यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि इस क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं मिल रहा, तो मैं उसे आपको करा दूंगा, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी। यदि वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो मिस ना हो, और अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करते हैं। मिलता हूँ नेक्स्ट पेपर में, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।